जमा तो कर दी, लेकिन हदीस की तशरीह में एक लफ्ज कहना गवारा नहीं किया। तशरीह तो खुजा, अपनी किताब के ऊपर बाब भी नहीं बांधा। यानी सारी हदीस की किताब में के अंदर बाब होते हैं, ये नमाज का बाब, ये नमाज के मसाइल का बाब, ये तहारत का बाब, तो वो बाब भी कायम नहीं किया इस ख्याल से कि ये हदीस की कोई तशरीह ना हो जाए मेरी तरफ। तो कहीं ऐसा ना हो कि हुजूर अकबर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की तशरीह में मैं कोई बात कह दूं और उसमें कोई गलती हो जाए, अल्लाह ताला क्या पकड़ो। इसलिए सारी किताब के अंदर बाब का उनवान भी कायम नहीं किया, बस कह दिया मैं तो हुजूर की हदीसें जमा कर रहा हूं। अब उलमा जाने कि इससे जो मसले चाहे वो मुस्तबत कर ले, लेकिन मेरा काम यह था कि मैं हदीसें जमा करके दिखा दूँ। कितना मुश्किल काम, इतना नाजुक काम। और आजकल जिसका मुंह उठता है वो मालूम हुआ कि फलां के दर से कुरान जारी हो गया, फलां के दर से हदीस जारी हो गया, और दर से कुरान और दर से हदीस के सिलसिले इल्म है नहीं, उसकी शरायत मौजूद नहीं, और दर से कुरान और दर से उसी का नतीजा यह है कि कितने फैल रहे हैं तरह तरह के फितनों का बाजार। इससे भी परहेज करना चाहिए। याद रखिए दर से कुरान और दर से हदीस ये ऐसी चीज है कि पहले किसी दर्श में शामिल होने से पहले इस बात का इत्मीनान कर लीजिए कि वाकयतन जो शख्स दर्श दे रहा है वो वाकयतन उसका अहल है या नहीं, इल्म मुकम्मल उसके पास है या नहीं। जरा सा देर जबर से बात कहीं से कहीं पहुंच जाती है, फर्क हो जाता है। यह हर एक के बस का काम है। तो इज्तिमाई तबलीग का जो मामला है उसमें आम आदमी को जिसके पास कमा हक इल्म ना हो उसको भी इस दरवाजे में दाखिल होना नहीं चाहिए। हाँ, इंफ्राइड तबलीग का जो मैंने बात अर्ज की है उसके अंदर आदमी को चाहिए कि उसके अंदर वो काम करे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद है उस पर अमल। एक बात आखिर में और अर्ज कर देता हूं इसी सिलसिले की, जो दो हफ्ते पहले अर्ज की थी लेकिन इख्तिसार की वजह से उसकी तफसील ना हो सकी, बाज़ ज़हनों में शुबा पैदा रहा, वो ये कि ये बात मशहूर है कि अगर खुद कोई शख्स किसी गलती में मुबतला है तो उसको दूसरों को भी उस गलती से रोकने का हक नहीं पहुंचता। यानी एक शख्स फर्ज करो नमाज बाजमात का पूरी तरह पाबंद नहीं है, तो कहा यह जाता है, समझा यह जाता है कि फिर ऐसे शख्स को चाहिए कि दूसरों को भी नमाज बाजमात की तलकीन न करें जब तक कि खुद पाबंद ना हो जाए। तो मैंने यह अर्ज किया था कि बात उल्टी है, बात यूं है कि जो शख्स दूसरों को नमाज बाजमात की तलकीन करता है उसको चाहिए कि वो नमाज बाजमात की खुद भी पाबंदी करे, न ये कि जो नमाज बाजमात का पाबंद नहीं है वो दूसरों को तलकीन ना करे। आमतौर से लोगों में यह आयत मशहूर है कि कुरान करीम में या अय्युहल लदीना आमनू लिमा तकूलूना मा ला तफालू, कि ए ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। तो इसका मतलब बाद लोग ये समझते हैं कि अगर कोई शख्स कोई काम नहीं करता तो दूसरे को भी उसकी तलकीन ना करें। अगर एक शख्स सदका नहीं देता तो दूसरे को सदका की तलकीन ना करें। एक शख्स ने नमाज बाजमात पाबंदी से नहीं पढ़ता, दूसरे को नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ने की तलकीन ना करें। एक शख्स सच नहीं बोलता, दूसरे को सच बोलने की तलकीन ना करें। ये मतलब समझते हैं बात, ये मतलब नहीं आयत। आयत का मुख्य माना यह है लिमा तकुलून वाला तफलून के, कि जो बात तुम्हारे अंदर नहीं है उसका दावा ना करो। यानी तुम नमाज बाजमात के पाबंद नहीं हो तो दूसरों से दावा करके ये ना कहो कि मैं नमाज बाजमात का पाबंद हूं। तुम नेक और मुत्तकी नहीं हो और दूसरों से दावा करके ये ना कहो कि मैं मुत्तकी हूं। तुमने हज नहीं किया तो ये ना कहो कि मैं हज किए हुए हूं। तुमने जिहाद नहीं किया तो ये ना कहो कि मैंने जिहाद किया हुआ है। तुम सच नहीं बोलते तो ये ना कहो कि मैं सच बोलता हूं। ये माना है लिमा तकूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो वो बात जो तुम करते नहीं हो, यानी जो काम करते नहीं हो उसका दावा क्यों करते हो दूसरों के सामने। ये माना है शायद, ये माना नहीं है कि अगर कोई काम करते नहीं हो तो दूसरों को कहो मत। दूसरों को कहने से बाद फायदा हो जाता है, खुद अपना फायदा हो जाता है।
कि जब आदमी दूसरे से कहता है तो उसमें शर्म आती है इंसान को कि मैंने दूसरे को तो कह दिया तो और खुद अमल नहीं करता, तो उस शर्म की वजह से आदमी बालोकात खुद अमल करने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए कि आयत जान में आया था, दूसरी आयत है कुरान करीम की जिसमें यहूदी उलमा से खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि तामरून अन्नास बिलबिरि वतनसौन अन्फुसकुम, कि क्या तुम दूसरों को तो नेकी की तलकीन करते हो और अपने आप को भूल जाते हो कि खुद दूसरा दिगरा नसीहत खुदरा तजियत, कि दूसरों को नसीहत कर रहे हो और खुद अपने आप को भूल जाते हो, उस नसीहत पर खुद अमल नहीं करते। तो माना यह है कि जब नसीहत कर रहे हो दूसरों को तो खुद भी अमल करो, न ये कि क्योंकि खुद अमल नहीं कर रहे लिहाजा नसीहत ना करो, ये माना नहीं। तो इसलिए किसी दूसरे को नसीहत करने में इस बात से रुकावट ना होनी चाहिए कि मैं खुद इस पर कारबंद नहीं हूं। वो बुजुर्गों ने कहा कि मन न करदम शुमा हजर बकुने, कि कोई आदमी ये भी कह सकता है कि भाई मैंने तो परहेज नहीं किया लेकिन तुम परहेज कर लो, तो ये कहने से भी फायदा होता है। बाद औकात इंसान को खुद शर्म मालूम होने लगती है कि मैं ये कह रहा हूं दूसरों को तो फिर मुझे भी अमल करना चाहिए। हजरत हकीम उल उम्मत माना खान में तफसीला होता था, वो फरमाते हैं कि बाद औकात मुझे अपने अंदर कोई ऐब महसूस होता है तो मैं उस ऐब के बारे में बात कह देता हूं, उससे अल्लाह ताला मेरी इस्लाह फरमा देता, ताकि क्योंकि बाद में ख्याल होता है। तो इसलिए ये बात ध्यान में नहीं रहनी चाहिए कि हां ये जरूर है बेशक कि एक आदमी वो है जो अमल नहीं करता और नसीहत करता है, और एक आदमी वो है जो अमल करता है और नसीहत करता है, दोनों की नसीहत की तासीर में फर्क है। जो अमल करके नसीहत करता है उसकी बात में अल्लाह ताला असर पैदा फरमाते हैं, वो दिलों में उतरती है, उससे इंसानों की जिंदगियों में इंकलाब आता है, और बेअमली के साथ जो नसीहत की जाती है उसका असर इंसान सुनने वाले पर भी कम आपको नहीं होता, जबान से निकली बात कान के ऊपर जाकर टकरा के वापस आ गई, दिल में नहीं उतरती। हाँ अमल के साथ करेगा तो अल्लाह ताला उसके अंदर उतरेगा, लिहाजा अमल की कोशिश जरूर करनी चाहिए लेकिन महज ये बात नसीहत की बात कहने से माने न होनी चाहिए। यह है खुलासा सारा तबलीग और दावत के अहकाम का। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। لا اله الا الله اگلی حدیث ہے یہ بھی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو، راستوں پر بیٹھنے سے بچو، کیونکہ راستے میں آدمی سڑک کے اوپر راستے میں بیٹھ کر بیٹھ گیا مجلس جما لی تو یہ چیز بعض اوقات گزرنے والوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے، تکلیف کا باعث ہوتی ہے، اور ویسے بھی بازار کے اندر اس طرح بیٹھنا یہ کوئی مروت کا کام نہیں ہے، اس واسطے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر